हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़की के सामने कैसे रहें जिससे वो आप में इंटरेस्ट लेने लगे। तो आज के वीडियो सिरावे पे है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से लोगों का इंटरेस्ट हम में बनता है। जैसे कि अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रूड दिखाते हो, ठीक है, आप अपने आप को ये दिखाते हो कि लोगों की फीलिंग्स का आप पे कोई असर नहीं पड़ता है, आपकी आपको जो है दूसरों की फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं है, तो सामने वाले का इंटरेस्ट आप में बिल्कुल भी नहीं रहता। जो भी आपको देखता है वो भी आपके बारे में यही सोचता है कि आप ऐसे इंसान हो जो दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में या दूसरों की फीलिंग्स के बारे में आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, तो वो भी आपसे बात करने से कतराते हैं। तो ठीक ऐसे ही आपको लड़की के सामने कैसे रहना है जिससे लड़की आप में इंटरेस्ट लेने लगे। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिसकी वजह से लड़की का इंटरेस्ट आप में आने लगेगा, वो आपसे बात करना चाहेगी। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि लड़की के सामने कैसे रहें कि लड़की आप में इंटरेस्ट लेने लगे। सबसे पहला जो टिप है ये है कि अगर आप चाहते हो कि लड़की का इंटरेस्ट आप में बने, वो आपको पसंद करने लगे, तो सबसे पहले तो आप उसके सामने अपने कैरेक्टर को अच्छा दिखाने की कोशिश करो। आप कैरेक्टर को अच्छा कैसे दिखाओगे? कैरेक्टर को अच्छा दिखाओगे लाइक जैसे कि अगर आप किसी उस लड़की के सामने किसी लड़की को देखते हो तो उसे गंदी नज़र से ना देखो, घूरो नहीं, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना जिनकी आदत ऐसी होती है कि अगर वो लड़की को देखना शुरू करते हैं तो वो बस उन्हें देखते ही रहते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ बस उनके अंदर ही घुस जाएंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं दिखानी है, ठीक है। लड़की के सामने कभी भी किसी लड़की को देखकर गंदे कमेंट नहीं करने या उनको उल्टा सीधा नहीं बोलना। तो इस तरीके से आप अपने कैरेक्टर को लड़की के सामने अच्छा दिखा सकते हो, जिसकी वजह से उसे अच्छा लगेगा आपसे बात करना, ठीक है। एक तरह से इंटरेस्ट आप में बना रहेगा, क्योंकि आजकल के टाइम में देखो कि बहुत ही मोस्टली कम लड़के ऐसे होते हैं जिनका कैरेक्टर अच्छा होता है, ठीक है, जो अच्छे इंसान हो, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट यह है कि लड़की के सामने आपको इस तरीके से रहना है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने वाले हो। इसके लिए जब भी आप किसी उस लड़की के सामने जब आप किसी से बात करते हो बहुत प्यार से बात करो। प्लस ये चीज़ें कर सकते हो कि आप उसकी लड़की के सामने अपने आप को थोड़ा सा रोमांटिक दिखा सकते हो, लवेबल दिखा सकते हो। इसके लिए आप रोमांटिक गाने गा सकते हो, प्यार भरे गीत जो होते हैं वो सुना सकते हो, एक तरह से गुनगुना सकते हो, जिसे देख कर लगे कि हाँ भाई लविंग इंसान हो, दूसरे से प्यार करना, या यहाँ तक कि अगर आप रिलेशनशिप में आते हो तो आप अपनी पार्टनर को भी प्यार करोगे, ठीक है। एक तरह से आपके अंदर थोड़ा सा रोमांटिक नेचर भी है, एक लविंग पर्सन हो, तो इससे भी लड़की का इंटरेस्ट आप में बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि लड़की का इंटरेस्ट अपने में लाने के लिए आपको ये करना है कि लड़की के सामने थोड़ा सा फनी बनो। अब फनी बनने का ये मतलब नहीं आप कोने में खड़े होकर जोकर टाइप का बन जाओ, उस तरीके से अपना इंटरेस्ट लाओ, नहीं। फनी का मतलब है जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पे थोड़ा सा अपना फनी नेचर दिखाओ, ठीक है, थोड़ा सा फ्रैंक रहो, हंसमुख रहो, क्योंकि खुशी ना हर किसी को पसंद होती है, और हमेशा इंसान जो है खुश रहना चाहता है, और ऐसे इंसान से बात करना उसे अच्छा लगता है कि जो हमेशा खुश रहता है, खुशियाँ बांटता है। तो ये चीज़ें अगर आप लड़कियों को दिखाओगे, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो, बहुत ज़्यादा फनी इंसान हो, तो इससे भी लड़की का इंटरेस्ट आप में रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जो है लड़की के सामने अपने लुक्स को भी थोड़ा सा फोकस करो कि अपने आप को थोड़ा सा अच्छा दिखाओ, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है कि जो चीज़ अच्छी दिखती है तो लोगों का अट्रैक्शन या लोगों की पसंद उसकी तरफ जल्दी होती है, लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अपने लुक्स पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जिससे आप लड़की के सामने अच्छा दिख सकते हो, जिससे लड़की का इंटरेस्ट आप में बना रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ